बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि दारू पीनी छोड़ दो, बिल भी भर लिया करो। सोनीपत और रोहतक के लोग लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सोनीपत रोहतक के लोग सबसे ज्यादा ये काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि दारू पीनी छोड़ो और बिजली के बिल भरो। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इस वक्त का विवादित बयान दे दिया है सूबे के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने। उन्होंने कहा कि दारू पीनी छोड़ दो, बिल भी भर लिया करो। सोनीपत और रोहतक के लोग लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। तो बिजली डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया दे रहा है, पर ये काम तुम भी करा करो ना। बिजली के बिल भरने लग जाओ, कोई गांव में जब आपका मीटर बार लगवाने के लिए कहते हैं तो लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। सोनीपत रोहतक वाले सबसे ज्यादा ये काम करते हैं, नहीं करते तो बता दो। हम बुरा नहीं मानियो, बिल भरने में दिक्कत करते हो ना। अगर हम चलाते हैं यार, बाकी दारू पीनी छोड़ दो, वो काम भी कर लो, बिल हम भी भर दिया करो। ये है हमारे में कमी कि बिजली के बिल भरेंगे नहीं तो भाई कोई दुकान कैसे चलेगी। दैया साहब एक बार दे जाएंगे, दो बार दे जाएंगे, रोज तो कोई आदमी दुकान से खरीद नहीं दे सकता। जहाँ से माल उठाना पड़ता है वहां भी पैसे देने पड़ते। हमारे साथ ही नितिन अंत सोनीपत से इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। नितिन, ये विवादित बयान दे दिया बिजली मंत्री ने सोनीपत में, सोनीपत रोहतक के लोगों को साफ तौर पर कहा कि दारू पीने छोड़ दो, बिजली के बिल भी भर दिया करो। शब्दों का चुनाव ठीक नहीं कर पाए या क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ वहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एक सरकारी स्कूल में कार्यक्रम था गांव बिदलान में, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही जो मंत्री ने बेतुका बयान दिया है, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि शब्दों का चयन सही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका बयान ये है पूरे प्रदेश वासियों के लिए नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन बिजली वो दे रहे हैं, सरकार बिजली देने का नहीं, उद्योग जो है आज के वो उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बिजली देने में बिजली विभाग को कोई परेशानी नहीं है, सरकार को भी परेशानी नहीं है। अगर सोनीपत और रोहतक के जो निवासी हैं वो बिजली बिल भर दें, और बिजली बिल भरने के साथ साथ उन्होंने ये कहे थे, ये कह डाला कि शराब पीनी छोड़ दें और बिजली बिलों पर ध्यान दें। बिजली अगर वो बिल भरते हैं तो सरकार बिजली देगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिजली के मीटर लगाने के लिए कर्मचारी घर जाते हैं और बिजली के मीटर बाहर निकालते हैं तो यहाँ के लोग लठ उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कहना उनको कहने के जो शब्दों का चयन था वो सही ढंग से नहीं किया, और इसी कारण ये बयान उन्होंने दिया है। जी, क्षेत्र विशेष के लोगों पर ये टिप्पणी कर दी उन्होंने। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।